फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कन्वर्जन की। कोई भी आपका पुश डाउन ऑटोमेटा दिया होगा क्वेश्चन में, उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट करना होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कुछ उसके रूल्स के बारे में कि कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कन्वर्ट करने के लिए। एक मैंने एग्जांपल भी लिया था वहाँ पे, उसको भी सॉल्व करके देखा था रूल से। आज हम एक और एग्जांपल लेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग ही उस एग्जांपल को फुल्ली सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, कंस्ट्रक्ट ए पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग लैंग्वेज ए पावर एन बी पावर एम ए पावर एन वेयर एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई नल स्टोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि एक लैंग्वेज दे रखा है जिसको नल स्टोर से एक्सेप्टेंस का आपको पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है, और उसी के बाद जब पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाए उसी को मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर्म में मुझे उसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह के, एक जनरली एग्जाम में आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको एक पीडीए जनरेट करना होगा इस लैंग्वेज के लिए। कैसे, बाय नल स्टोर, मतलब आपको फाइनल स्टेट नहीं पहुंचाना है। अगर यहां पे आ जाता बाय फाइनल स्टेट तो हम फाइनल स्टेट पहुंचाते, लेकिन यहां पे लिखा हुआ नल स्टोर मीन्स आपको एम्प्टी स्टैक से ही आपको इसको पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका लैंग्वेज बना लेते हैं। जो लैंग्वेज बनेगी इस दिए हुए, आपका जो लैंग्वेज दिया हुआ है इसका एक लैंग्वेज फॉर्म में कैसे बन जाएगा सेटअप स्ट्रिंग, उसको हम देख लेते हैं। तो ए पावर एन बी पावर एम, ए पावर एन दे रखा है जहां पे एम एन की वैल्यू वन से ज्यादा है। अगर हम इसको वन लेते हैं चलिए, तो ए बी ए, ए भी आपका स्ट्रिंग हो सकता है, ए ए बी बी ए ए ए भी स्ट्रिंग हो सकता है, ए ए बी डबल ए ए भी स्ट्रिंग हो सकता है, ए इनफाइनाइट लैंग्वेज हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे एन और एम, यहाँ पे ए वाला एन इस नंबर ऑफ ए और ए नंबर ऑफ ए दोनों तो सेम होंगे यहाँ पे, लेकिन बी इन इन दोनों से इंडिपेंडेंट है, बी का कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो लॉजिक इसका क्या होगा, लॉजिक सिंपली होगा कि जितने भी स्टार्टिंग में ए आते जाएंगे उस सारे ए को हम पुश डाउन स्टोर में, जो स्टैक है स्टैक में हम पुश करते जाएंगे, और जैसे ही बी सिंबल आपका इनकाउंटर्ड करेगा, बी सिंबल पे हम स्टेट चेंज करेंगे और वहां पे हम जो स्टैक का सिंबल है उसको अपडेट नहीं करेंगे, मींस नो ऑपरेशन परफॉर्म करके हम आगे चलेंगे। और यहां पे जैसे ही फिर आपका ए पावर ए सिंबल आएगा, हम क्या करेंगे इस स्टैक में जो स्टोर हुआ है उसको वन बाई वन हम पॉप करते हुए चले जाएंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी स्टैक से आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो कैसे हम करेंगे आप देखिए, सबसे पहले हम क्यू नॉट स्टेट से स्टार्ट करते हैं। क्यू नॉट स्टेट से स्टार्ट के सबसे पहला सिंबल क्या आएगा, आपका ए सिंबल आ सकता है। जब ए सिंबल आएगा तो हम क्या करेंगे, उस टाइम ए सिंबल आएगा टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक हमेशा जेड नॉट होता है पीडीए में, तो टॉप ऑफ स्टैक जेड नॉट हो गया, और इसको हम क्या करेंगे उस टाइम हम शिफ्ट कर देंगे स्टैक में, तो स्टैक का पोजिशन क्या हो जाएगा ए जेड नॉट। इसके बाद जैसे ही, अब जरूरी है ए तो कंपल्सरी नहीं है कि सिंगल टाइम ए आए, मोर टाइम भी ए आ सकता है। जब एक बार और ए आएगा उस टाइम टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, ध्यान दीजिए एक, जब एक बार हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ए तो अब टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया, यहाँ से ए हो गया, मतलब अगर दोबारा ए इनकाउंटर्ड होता है तो टॉप ऑफ स्टैक अब क्या हो जाएगा इस टाइम ए, और हम इस टाइम फिर क्या करेंगे, फिर ए को हम क्या करेंगे पुश कर देंगे स्टैक में। तो इन दोनों प्रोडक्शन से क्या होगा कि जितने भी टाइम ए आएगा वो सारे स्टैक में आपके पुश होते हुए चला जाएगा, और यहां से जैसे ही बी इनकाउंटर्ड होगा, जैसे बी इनकाउंटर्ड होगा हम क्या करेंगे, बी आएगा उस टाइम टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, ध्यान दीजिए जितने भी ए आए हुए हैं हम सब पुश डाउन स्टोर में जब स्टोर कर दिए, पुश कर दिए हैं, तो जैसे बी आएगा उस टाइम टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा ए होगा, तो हम उसको क्या करेंगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, मीन्स न तो पुश करेंगे न तो वहां से कुछ पॉप करेंगे, जो सिंबल यहां था टॉप ऑफ स्टैक हम वही सिंबल रख रहे हैं, और स्टेट हम चेंज कर जाएंगे कहां पे, क्यू वन पे।
जैसे Q1 पे हम पहुंचे तो Q1 से फिर से क्या हो सकता है, नंबर ऑफ बी मोर देन 1 भी आ सकता है। अगर नंबर ऑफ बी फिर से आता है तो हम क्या करेंगे, इस टाइम बी आएगा तो टॉप ऑफ स्टैक फिर से क्या होगा, आपका ए ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी स्टैक में कोई अपडेट नहीं हुआ था, तो हम इसको फिर से क्या करेंगे, इसको सेम हम रहने देंगे। जैसे ही नेक्स्ट ए काउंटर्ड होगा, जैसे ही ए इनकाउंटर्ड होगा, यहां पे ए इनकाउंटर्ड होगा तो टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, ए होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम उसको पॉप कर देंगे, एक पॉप करते हुए जाएंगे और स्टेट हम चेंज नहीं करेंगे, Q1 पे ही रह जाएंगे। और इस तरह से आपका क्या होगा, सारे देखिए इन दोनों प्रोडक्शन से नंबर आप ए जितने भी ए आएंगे सारे पुश हो चुके होंगे स्टैक में। जैसे ही बी आएगा हम स्टेट चेंज करेंगे और स्टैक सिंबल को कोई भी न तो पुश कर रहे हैं न तो पॉप कर रहे हैं। और जितनी भी बार बी आ रहा है, ए वाला प्रोडक्शन ये दोनों प्रोडक्शन मिलकर उसको क्या करेंगे, बी को सिंपली स्कैन करके आगे बढ़ जाएंगे और स्टैक का आपका पोजिशन वही होगा जो इन दोनों प्रोडक्शन से पोजिशन बना है। अब जैसे ही यहां पे ए आएगा उसको पॉप करता हुआ चला जाएगा। अब जब पॉप करता हुआ जाएगा तो लास्ट में क्या होगा, ये सारी स्ट्रिंग इंड हो चुकी होगी, लास्ट टाइम क्या आएगा, नल आएगा। और नल आएगा तो उस टाइम टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, जेड नॉट होगा। और जेड नॉट होगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, एम्प्टी कर लेंगे, मीन्स जेड नॉट को भी हम पॉप कर लेंगे। अब यही आपका क्या सिनेरियो हो गया, पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर। नल स्टोर मतलब आपका स्टैक जो था वो क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। तो यही आपका बन जाएगा एक तरह से पीडीए। अब इस पीडीए को अगर हम ट्रांजिशन फॉर्म में नोट कर लें तो ट्रांजिशन फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, ताकि उससे सिंपल होगा मुझे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कन्वर्ट करने में। तो इसका डेल्टा फॉर्म में क्या होगा, हम यहां पे ऊपर लिख देते हैं इसको, डेल्टा फॉर्म में इसका हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू नॉट। इसको देखिए क्यू नॉट ए, क्यू नॉट से अगर ए सिंबल आता है उस टाइम टॉप ऑफ स्टैक अगर आपका जेड नॉट है तो इसको क्या कर लेगा, इसको कन्वर्ट करके बना लेगा। क्यू नॉट स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, क्यू नॉट ही होगा और यहां पुश कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ए जेड नॉट आपका टॉप का स्टैक, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। इसके बाद दूसरा प्रोडक्शन देखते हैं क्यू नॉट ए, अगर डेल्टा क्यू नॉट ए है और उसके बाद टॉप ऑफ स्टैक ए ही आता है तो इस टाइम भी हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या कर रहे हैं हम, ए ए और क्यू नॉट, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रहा था क्यू नॉट ही होगा और यहां पे हमने कर लिया ए ए। अब इसको अगर हम देखें इस वाले को कैसे चेंज करेंगे, तो क्यू नॉट बी, अगर बी सिंबल आता है टॉप ऑफ स्टैक ए है तो हम इसको क्या करेंगे, इस चेंज करेंगे स्टेट Q1 कर लेंगे। Q1 स्टेट चेंज करने के बाद क्योंकि Q1 पहुंच रहे हैं और सिंबल हम कोई चेंज नहीं किए, जो टॉप ऑफ स्टैक पहले था वही टॉप ऑफ स्टैक अब भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां से Q1 अगर डेल्टा Q1 से बी लेते हैं, और टॉप ऑफ स्टैक ए है तो हम फिर इस टाइम भी क्या करेंगे, Q1 पे ही रहेंगे और टॉप ऑफ स्टैक को कोई चेंज नहीं किया मैंने, इस तरह से कर लिए। इसके अलावा दो प्रोडक्शन आपका और है, अगर Q1 से है हम, Q1 से डेल्टा Q1 और A सिंबल आपका आता है, A आता है टॉप ऑफ स्टैक भी A है तो हम इसको क्या कर लेंगे, Q1 पे रहेंगे और नल कर लेंगे, पॉप कर लेंगे यहां से तो पॉप हो जाएगा क्योंकि इसको चेंज कर लिया मैंने। जैसे ही डेल्टा Q1 पे है नल सिंबल आएगा तो नल को मैंने क्या कर लिया, नल को और टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा आपका Q1 नल और टॉप ऑफ स्टैक जेड नॉट है तो इसको हम क्या कर लेंगे, स्टेट तो सेम रखेंगे Q1 ही और यहां पे क्या हो जाएगा नल। तो इस तरह से इसको हम डायग्राम फॉर्म को एक ट्रांजिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब हम इसी से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम। चलिए सबसे पहले रूल देखते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहला स्टेप में अगर देखें तो जो रूल कर रहा था पीडीए टू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये आपका कोई पीडीए दिया हुआ है वही पीडीए जिसका अभी मैंने सॉल्व किया, उस पीडीए का मुझे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, इसको
अगर हम ना बनाएं तो भी कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है कि इसको मुझे कंस्ट्रक्शन करना है सेटअप, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनल्स, नए नए नॉन टर्मिनल्स मिलते चले जा रहे हैं, यही नॉन टर्मिनल्स यहाँ भी होगा। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक नॉन टर्मिनल्स ऐड होगा कैपिटल एस, तो हम कैपिटल एस से सीधा प्रोडक्शन ऐड लेते हैं, ये आपको स्किप करते हैं हम इसको, इसको आप इजिली बना भी सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बनाया था। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। जो भी ग्रामर होगा आपका वी सिग्मा पी एस, वहां पे स्टार्ट सिंबल जो है, जो वी है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, पहले उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आप देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, यहाँ पे एक तो एस होगा ही होगा क्योंकि स्टार्ट सिंबल एस आपका एक दिया हुआ नॉन टर्मिनल। इसके बाद जो अदर नॉन टर्मिनल होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्यू जेड क्यू डैश, और क्यू और क्यू डैश किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल क्यू में। कैपिटल क्यू में कितने कौन कौन सिंबल है, कैपिटल क्यू में देखिए, कैपिटल क्यू में आपका क्यू नॉट और क्यू वन दो ही डिफरेंट यहाँ पे स्टेट आ रहे हैं। तो कैपिटल क्यू में जो होगा आपका क्या होगा, एक तो क्यू नॉट होगा, एक क्यू वन होगा। गामा अगर देख लें हम स्टैक सिंबल, तो स्टैक सिंबल क्या बता रहा है, लास्ट वाला स्टैक सिंबल ही बता रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, एक तो जेड नॉट है यहां से, और क्या आ रहा है, सिंबल ए आ रहा है, और कोई भी सिंबल यहां पर नहीं आ रहा डिफरेंट सिंबल। तो गामा में केवल क्या होगा, जेड नॉट और ए नॉट होगा, इसी दो चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर देख लीजिए नॉन टर्मिनल कैसे बना, यहां पर क्यू है, क्यू जेड क्यू डैश, मतलब पहला क्यू क्या होगा, यहाँ पे क्यू दो, क्यू की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, कैपिटल क्यू में। कैपिटल क्यू में क्या है, क्यू नॉट और क्यू वन, तो दो बार होंगे, एक बार क्यू नॉट होगा और एक बार क्या होगा, क्यू वन, क्यू वन। अब जेड की देखिए, जेड कौन सी वैल्यू है, जेड बिलोंग कर रहा है गामा में, तो गामा में जेड कौन कौन सिंबल है, जेड नॉट है और ए है, तो एक बार यहां पर होगा जेड नॉट और एक बार क्या होगा, ए। तो जब जेड नॉट यहां पे है तो एक बार क्यू नॉट के साथ क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि यहां पे दो सिंबल है, जेड नॉट ए है, तो जेड नॉट ए आ जाएगा। इसके बाद यहां देखिए आप, इस पे क्यू डैश है, क्यू डैश अगेन क्या होगा, एक बार क्यू नॉट होगा, एक बार क्यू वन होगा, तो यहां पर हम ले लेंगे एक बार क्यू नॉट और एक बार क्यू वन आएगा इसी के साथ, हो जाएगा क्यू नॉट जेड नॉट और क्यू वन। और यहां पे भी क्या होगा, क्यू नॉट ए है, तो यहां भी एक बार क्या आएगा, क्यू नॉट, और यहां पे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ए और क्यू वन। इस तरीके से यहां भी इस पे क्या आ जाएगा, क्यू वन के साथ, जब क्यू वन है तो यहां पे एक बार क्या आएगा, जेड नॉट होगा और एक बार ए आएगा, तो क्यू वन और ए आ जाएगा। इसी तरह से यहां भी एक बार क्यू नॉट आएगा और इसके साथ एक बार क्या आएगा, क्यू वन जेड नॉट और क्यू वन आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा, एक बार क्यू नॉट और क्यू वन ए और क्यू वन हो जाएगा यहां पे, इस तरीके से ये भी आपका बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 आपके नॉन टर्मिनल्स बन गए। अब इसके बाद जब नॉन टर्मिनल्स बन गए तो इसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, यस प्रोडक्शन पे। जो प्रोडक्शन बनाना है, तीन रूल है प्रोडक्शन बनाने के, तो कैसे हम ग्रामर के प्रोडक्शन बनाएंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि इसका फर्दर आपको आगे यूज, इस प्रोडक्शन में यूज नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी नॉन टर्मिनल्स आपके बनते हुए चले जाएंगे। तो हम आ जाते हैं अब स्टेप नंबर टू पे। जब स्टेप नंबर टू पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर टू में क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको एस प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। एस प्रोडक्शन मीन्स स्टार्ट का प्रोडक्शन, जो यहाँ पे नॉन टर्मिनल एस एड हुआ था। तो एस प्रोडक्शन क्या आपका इस तरह से बनेगा, एस कैन बी, ध्यान दीजिए यहाँ पे, एस कैन बी क्यू नॉट जेड नॉट, मीन्स इनिशियल स्टेट तो ये फिक्स कर दिया, Q नॉट होगा और Z नॉट होगा, टॉप ऑफ स्टैक जो होगा, Q नॉट और Q नॉट इनिशियल स्टेट और Z नॉट आपका टॉप ऑफ स्टैक का सिंबल जो है हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, Q, Q कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Q में। कैपिटल Q में कितने डिफरेंट सिंबल आपके हैं, Q नॉट और Q वन, तो एक बार हो जाएगा Q नॉट और एक बार इसी से क्या आ जाएगा, Q नॉट Z नॉट और Q वन। ये S के दो प्रोडक्शन आपके मिल जाएंगे इस तरीके से। अब जब एस के दो प्रोडक्शन मिल गए तो इसके बाद हम जो प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन मिलते जा रहा है उसको हम बॉक्स में कर देंगे।
चलिए ये आपके फाइनल प्रोडक्शन मिल गया जो ग्रामर का पहला दो स्टार्टिंग के स्टार्ट सिंबल के प्रोडक्शन हो गए। अब देखते हैं हम इस प्रोडक्शन को यहाँ पे जो आपको पीडीए का ट्रांजिशन दिया हुआ है। अगर हम पहला ट्रांजिशन का पीडीए पहला ट्रांजिशन लें, पहला ट्रांजिशन क्या है यहाँ पे डेल्टा क्यू नॉट ए जेड नॉट, इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इसको बना दे रहा है क्यू नॉट ए जेड नॉट। अब देखिए यहां से आइडेंटिफाई कीजिए कि ऑपरेशन क्या हो रहा है। स्टैक में तीन ऑपरेशन होंगे, पुश होंगे, पॉप होंगे या नो ऑपरेशन होंगे। अगर यहां पे पॉप होगा तो रूल नंबर टू लगेगा, अगर पुश हो रहा है या नो ऑपरेशन हो रहा है तो रूल नंबर थर्ड लगेगा। तो यहां पे देखिए टॉप ऑफ स्टैक क्या था, जेड नॉट था, अब यहां पे क्या बन गया ए जेड नॉट। तो कहने का मतलब यहां पे कुछ सिंबल पुश हुआ है इसमें स्टैक में, जब पुश हुआ है तो रूल नंबर कौन लगेगा थर्ड। इसके रूल के अकॉर्डिंग देखिए कैसे बन जाएगा, अगर इसको हम मैच करें इस वाले से इस सेंटेंशियल फॉर्म से तो कैसे हम ग्रामर के प्रोडक्शन बनाएंगे। अगर इसी मैच कीजिए तो यहां देखिए जो सिंबल था यहां पे क्या था क्यू, यहां पे क्यू था, तो यहां पे क्या है क्यू नॉट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा क्यू नॉट। यहां पे जेड कहां से आया था, इस जगह से जेड आया था, तो यहां पे क्या है जेड नॉट है, तो यहां पे जेड आ जाएगा। यहां पे क्या है क्यू डैश, क्यू डैश बिलोंग कर रहा है कैपिटल क्यू में, कैपिटल क्यू मतलब एक बार क्यू नॉट होगा एक बार क्यू वन होगा, तो एक बार हम क्यू नॉट ले रहे हैं और एक बार हम यहां से ले लेंगे क्यू वन। तो क्यू नॉट जेड नॉट और क्यू वन दोनों के लिए हम अलग अलग कंप्यूट करेंगे। तो इसके लिए कंप्यूट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा ए वाला सिंबल, ए सिंबल यहां पे आ जाएगा क्योंकि यहां पे देखिए ए सिंबल यहां पे आया था रूल से, तो ए सिंबल आ जाएगा। इसके बाद यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी क्यू वन के पास, यहां जो क्यू वन वैल्यू है तो यहां पे क्या है क्यू नॉट है, तो यहां पे क्यू नॉट आ जाएगा। इसके बाद टॉप ऑफ स्टैक जेड वन, जेड वन क्या है यहां पे ए, ये जेड वन है जेड टू, तो ए आ जाएगा। और यहां पे क्या है क्यू टू, क्यू टू मीन्स अगर देखिए यहां पे क्यू टू, क्यू टू क्या बिलोंग कर रहा है अगेन कैपिटल क्यू में, मीन्स एक बार क्यू नॉट होगा और एक बार क्या होगा क्यू वन होगा, तो एक प्रोडक्शन और बढ़ेगा क्यू नॉट ए और क्यू वन। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे चलेगा, जैसे यहां पे क्यू टू से इंड करेगा अगला नॉन टर्मिनल स्टार्ट कहां से होगा यहां से क्यू टू से, तो यहां पे हो जाएगा यहां पे इंड किससे हो रहा क्यू नॉट से, तो यहां पे स्टार्ट होगा क्यू वन से। जेड टू की वैल्यू क्या है यहां पे जेड नॉट, क्योंकि यहां पे देखिए जेड टू की वैल्यू यहां पे आई थी, तो यहां पे हो जाएगी जेड नॉट। और यहां पे सिंबल कौन सा आ जाएगा आप देखिए, इसके बाद कोई भी स्टैक में सिंबल नहीं बचा है। अब यहां पे इस तरह से आएगा जो यहां पे क्यू डैश था ये लास्ट में क्यू डैश कहां से आया था, यहां से क्यू डैश आया था ये लेफ्ट साइड के सिंबल से, लेफ्ट साइड में क्या है यहां पे क्यू नॉट, तो यहां पे आ जाएगा क्यू नॉट। इसी तरीके से इसमें अगर देखें तो क्या बन जाएगा क्यू वन से है, तो यहां पे क्यू वन से स्टार्ट होगा और यहां पे आ जाएगा जेड नॉट, जेड जेड टू की वैल्यू जैसे यहां पे जेड टू की वैल्यू थी तो यहां से आ गया जेड नॉट। और यहां पे अब यहां से देखें तो कौन सिंबल आ जाएगा क्यू डैश में क्यू क्यू नॉट, तो यहां पे भी आ जाएगा क्यू नॉट। ए प्रोडक्शन किससे बना, ए भी प्रोडक्शन इसी से सेम बना क्यू नॉट जेड नॉट और क्यू नॉट से। अब इसके लिए निकालिए, जब हम इसके लिए निकालेंगे तो अगेन यहां पे कौन सिंबल आएगा, यहां पे सिंबल तो ए ही आएगा क्योंकि मैच करें उससे तो ए ही आएगा यहां पे। अब इसके बाद यहां पे देखिए क्या आएगा Q1, Q1 वैल्यू कहां से आ रहा है यहीं से आ रहा है Q1 वैल्यू, तो यहां पे क्या है Q0, तो यहां पे आ जाएगा Q0। इसके बाद A सिंबल जो Z1 की वैल्यू है A Z1 आ जाएगा, Q2 की वैल्यू मींस एक बार Q0 होगा और एक बार Q1 होगा, तो एक प्रोडक्शन और जाएगा Q0 A और Q1 इस तरीके से होगा। इसके बाद अगर इसको हम आगे देखें तो यहाँ पे Q0 से इंड हो रहा है तो Q0 से ही स्टार्ट होगा और यहाँ पे Z2 की वैल्यू कितनी है, Z2 की वैल्यू Z0 है तो Z Z0 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद वहाँ पे Q2 था तो Q2 इसके बाद यहाँ पे क्या है Q डैश, क्योंकि लास्ट आ जा रहा है Q डैश, तो Q डैश की वैल्यू यहाँ से क्या है Q1, तो यहाँ आ जाएगा Q1। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा Q1 Z0 और Q1, क्योंकि यहां से Q1 की वैल्यू यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से ए भी प्रोडक्शन किसका हो गया Q0 Z0 A Q1 का, तो यहां से ए भी आपका जो प्रोडक्शन मिल गया, ए भी जो प्रोडक्शन मिल गया इस तरह से क्या मिल गया ग्रामर के प्रोडक्शन यहां से मिल गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट अगर देखें इस वाले को, अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है,
तो अगर यहाँ पे भी हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी टॉप ऑफ स्टैक ए था, यहाँ पे ए हो रहा, मतलब यहाँ भी पुश ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ भी रूल नंबर थर्ड ही लगेगा। तो अगर हम ट्रांजिशन ले लें किसको कन्वर्ट करने के लिए, इसका डेल्टा अगर है आपका क्यू नॉट ए ए, हम इसको क्या बना रहे हैं, क्यू नॉट ए ए, ठीक है, इस तरह से हम इसको बना रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम बाय रूल से देखना चाहें तो रूल से भी आप कर लेंगे, वो लेंथी प्रोसेस होगा, फिर से आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा, इजी होगा कि आप कंप्यूट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डिफरेंस किस में है, अगर इसको और इस प्रोडक्शन को हम मैच करें तो यहाँ पे जेट नॉट है और यहाँ पे ए है, बाकी इधर दोनों सेम है। यहाँ पे हम देखें तो केवल किस में डिफरेंस है, जेट नॉट और ए पे, मतलब कि सारे जेड नॉट, यहाँ पे देखिए जेड नॉट को ए बनाया, यहाँ पे जेड नॉट ये है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जहां भी जेड नॉट आया है उसको हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे, किससे, उसको हम ए से रिप्लेस कर देंगे, वही प्रोडक्शन सेम हो जाएगा। और टॉप ऑफ स्टैक देखें तो ये भी, यहाँ पे भी दो सिंबल, यहाँ भी दो सिंबल, तो बाकी सब सेम ही है। तो आपको इसी तरह से मिल जाएगा, क्विकली हम देख लें तो तुरंत क्या मिल जाएगा, क्यू नॉट जेड नॉट, क्यू नॉट जेड नॉट की जगह यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे क्यू नॉट, दूसरा क्या बन जाएगा, क्यू नॉट ए और क्यू नॉट, एक और क्या बन जाएगा, क्यू क्यू नॉट ए क्यू वन, एक और बन जाएगा आपका क्यू नॉट ए क्यू वन। ध्यान दीजिए मैंने इसी में केवल जेड नॉट की जगह चेंज कर लिया, अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेम वही आए, सेम यही आएगा जो अभी बन रहा है यहाँ पे। तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंबल ए है तो यहाँ पे ए ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ए क्यू नॉट, यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्यू नॉट, यहाँ पे ध्यान दीजिए जेड नॉट है तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्यू नॉट। इस तरीके से हम सारे पे रिप्लेस कर लेंगे, जब रिप्लेस कर लेंगे तो ही आपका क्या मिल जाएगा, इस केस के लिए, इस प्रोडक्शन के लिए आपका ग्रामर मिल गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसको देखते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो इसका कैसे बनेगा, चलिए इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अभी आगे, तो यहाँ पे भी हम इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्यू नॉट बी ए ट्रांजिशन, क्यू नॉट बी ए इससे क्या बन रहा है, अगर देखें तो क्या हो रहा है, क्यू नॉट क्यू वन ए, तो यहाँ हो जाएगा क्यू वन ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे नो ऑपरेशन मीन्स जो टॉप ऑफ स्टैक क्या था, ए था, यहाँ पे भी टॉप ऑफ स्टैक ए ही है, यहाँ पे कुछ भी पुश या पॉप नहीं किया, नो ऑपरेशन, तो रोल नंबर थर्ड लगेगा। इसके हिसाब से क्या बन जाएगा आपका देख लीजिए, चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जब मैच करें जो भी क्यू की वैल्यू होगी, यहाँ पे अगर क्यू है तो यहाँ पे भी क्यू आ गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या है, क्यू नॉट, तो यहाँ आ जाएगा क्यू नॉट। यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आई, इस टॉप ऑफ स्टैक से आई, तो यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक क्या है, ए, तो यहाँ आ जाएगी ए। इसके बाद यहाँ पे क्यू डैश है, क्यू डैश मतलब एक बार क्यू नॉट होगा और एक बार क्यू वन होगा, तो क्यू नॉट ए और क्यू वन होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि क्यू डैश बिलोंग कर रहा है कैपिटल क्यू में, कैपिटल क्यू में दो डिफरेंट स्टेट है। अब इससे अगर हम देखें तो यहाँ पे बी आ जाएगा, बी ए वाला सिंबल आ जाएगा यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्यू वन, क्यू वन ए है, जेड वन की वैल्यू क्या है, जेड वन की वैल्यू ए है, तो ए आ जाएगा। इसके बाद कोई सिंबल नहीं है तो क्यू डैश यहां से लेगा, क्यू डैश, क्यू डैश की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट, तो यहां हो जाएगा क्यू नॉट। इस तरह से यहां पे क्या, यहां पे क्या आ जाएगा, बी क्यू वन ए और यहां पे आ जाएगा क्यू वन। इस तरह से आपका बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं हम, नेक्स्ट एक बार और आपका क्या हो रहा है, यहाँ भी नो ऑपरेशन है, अगर हम ट्रांजिशन लें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल ग्रामर, इसको हम ले लेते हैं बॉक्स में, ये भी फाइनल ग्रामर प्रोडक्शन हो गए। नेक्स्ट प्रोडक्शन लेते हैं हम डेल्टा क्यू बी ए, डेल्टा क्यू क्यू वन, क्यू वन बी ए, इससे क्या बना रहा है प्रोडक्शन, क्यू वन ए, तो क्यू वन ए ही रह रहा है, इस पे कामा लगा लेते हैं, क्यू वन ए ही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी कैसे बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे लें तो यहाँ पे क्या था, क्यू वन, तो क्यू वन ही आ जाएगा, यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक क्या है, ए, ए आ जाएगा,
यहाँ पे एक बार क्यू नॉट आ जाएगा, एक बार क्यू वन आ जाएगा, ठीक है। अब इससे ये वाला सिंबल क्या है, बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, इसके बाद क्यू वन यहाँ से आ जाएगा, जेड वन की वैल्यू क्या है, ए, ए आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू डैश, यहाँ पे क्यू नॉट है तो क्यू नॉट आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा क्यू वन, और ए यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक ए ही है, यहाँ पे क्यू डैश इसकी वैल्यू क्या है क्यू वन, तो यहाँ आ जाएगा क्यू वन, इस तरीके से इसका भी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या हो रहा है यहां पे, Q नॉट Q1 AA, Q1 AA, इसको क्या कर रहा है, Q1 पे ही नल मिस पॉप कर रहा है, जब पॉप कर रहा है तो पॉप वाला रूल कौन सा लगेगा, ए वाला रूल लगेगा, तो ये कैसे बनेगा इसका, देखिए इसका बन जाएगा Q, मीन्स यहाँ पे जो है सिंबल Q है, Q यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ आ जाएगा Q1, Z की वैल्यू A है तो A आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q डैश, Q डैश यहाँ पे जो है Q1, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1, और यहाँ पे जो सिंबल A है ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से हो जाएगा। लास्ट का देखिए, लास्ट में क्या है यहाँ पे, डेल्टा, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, आपका ग्रामर के प्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, क्यू वन नल जेड, जेड नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर क्यू वन हम ले डेल्टा, डेल्टा क्यू वन नल और जेड नॉट टॉप ऑफ सिंबल ले रहे हैं, तो इसको क्या बना रहा है, क्यू वन से ही नल ले रहा है। अब इसका प्रोडक्शन क्या बन जाएगा, क्यू वन जेड नॉट, क्योंकि जेड नॉट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्यू वन वैल्यू है तो क्यू वन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नल वाला सिंबल यहाँ हो जाएगा नल, यही आपका ग्रामर के प्रोडक्शन हो गए। तो जितने भी बॉक्स में है यहाँ पे, जो भी मैंने डिफरेंट मार्कर से बॉक्स में कर रखा है, यही आपके क्या होंगे, जो भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनेगा उसी के प्रोडक्शन होंगे। तो होपफुली एग्जाम्पल से टोटली आपको एक बार फिर से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसका रिप्लाई करेंगे, और किसी कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार वो कमेंट बॉक्स देख लेगा, हो सकता है कमेंट बॉक्स में किसी भी कन्फ्यूजन का मैं रिप्लाई वहाँ पे कर रखा हूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।